बैठमा पुलिस ने पंचगंगा सीड्स कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ नकली बीज बेचने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। विक्रेता आरोपी फरार है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के कर्मचारी प्रशांत कुंडलिक ने एक शिकायत आवेदन दिया था, जिसमें उसने कहा था कि हमारी कंपनी पंचगंगा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद से बीजों का विक्रय करती है। हमारी कंपनी का प्रसिद्ध प्याज बीज किस्म रॉयल पिंक के नाम से किसानों में प्रसिद्ध है और इसी नाम से किसान उस बीज को खरीदते हैं। उपरोक्त दुकानदार द्वारा कंपनी से मिलता जुलता हुबहू पैकिंग रॉयल पिंक किस्म का बीज विक्रय किया जा रहा था। बैठमा पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में जुटी है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आपको एक पंचगंगा सीड्स करके कंपनी महाराष्ट्र की जो बीज कृषि बीज है इसका व्यापार करती है, जो प्याज के जो बीज रहते हैं जी, इसका ट्रेडमार्क मतलब उनका ट्रेडमार्क चलता है कि उनका पंचगंगा सीड्स के नाम से प्याज का बीज आता है, उनके पैकेट आते हैं तो उनकी डिलीवरी करती है। यहाँ पर उन्होंने कायमी करवाई 420 की। बैठमा में एक सामरिक कृषि सेवा केंद्र है, उनके द्वारा उसी कंपनी का मोनो लगाकर SS है वो पैकेट बनाकर प्याज के बीज की बिक्री की जा रही थी। तो ये कितना मात्रा क्या रही इसकी जो बरामद हुआ, कितनी मात्रा में क्या मात्रा बरामद? वहाँ से 19 पैकेट बरामद हुए। 19 पैकेट बरामद, क्या कीमत होगी इसकी? कीमत होगी करीब 95,000 से। आरोपी की क्या स्थिति अभी, क्या पकड़ना है? नहीं, आरोपी भी गिरफ्तार नहीं है, अभी विवेचना में है, प्रकरण विवेचना जारी है जी। आपका नाम बताए? संदीप पोरवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।